कुछ मानक रूपों का समाकलन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन ज्ञात करना तो माना कि I इक्वल टू इंटीगेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी है अब यदि x इक्वल टू ए टी लें तो दोनों पक्षों का औकलन करने पर हमें प्राप्त होगा dx एक्स इक्वल टू ए इंटू इसलिए आगे हम इस प्रतिस्थापन का उपयोग करके लिख सकते हैं आई इक्ल टू इंटीगेशन साइन ए डी टी अपॉन ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब हम देखते हैं कि हर में जो राशि दी गई है उसमें ए स्क्वायर को हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं और अंश में भी ए है तो वो दोनों कैंसल होकर के हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू वन अपॉन ए इंटीगेशन साइन डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन ए टेन इन टी क्योंकि इंटीग्रेशन साइन डी टी बाई वन प्लस टी स्क्वायर ये हमें टेन इनवर्स टी मिलता है तो इस प्रकार हमें सूत्र प्राप्त हुआ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वन बाई ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई ए तो इसमें हम कुछ परिवर्तन करें तो एक नया सूत्र हमें प्राप्त होता है इंटीगेशन डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन ए बी इंटू टेन इनवर्स बी एक्स अपॉन ए चलिए आगे चलते हैं जिसमें हम देखेंगे कि वन अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन किस प्रकार ज्ञात करते हैं तो माना कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन टू डी एक्स अब यदि हम x इक्वल टू ए टी लें और दोनों पक्षों का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा dx एक्स इक्वल टू ए इंटू इन प्रतिस्थापनों को हम ऊपर लिखे फलन पर रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा I इक्वल टू इंटीगेशन साइन ए डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टी स्क्वायर तो हर में जो फलन दिया गया है उस पर ए स्क्वायर दोनों पदों पर उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं और चूंकि वर्गमूल है तो हमें ए बाहर मिल जाएगा और अंश में और हर में दोनों में ए और ए कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमें मिल रहा है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर वन माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स टी अब टी को पुनः एक्स बाई ए लिख दें तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इन एक्स अपॉन ए तो ये हमें सूत्र प्राप्त हुआ है जिसका कि उपयोग हम आगे प्रश्नों को सरल करने के लिए करेंगे अब इस सूत्र में यदि थोड़ा सा और परिवर्तन करें तो हमें नया सूत्र प्राप्त होगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन बी साइन इन बी एक्स अपॉन ए आगे देखते हैं वन अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन ज्ञात करना तो माना कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है तो यहां पर हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे एक्स इक्वल टू ए टी लेने पर दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा डी एक्स इक्वल टू ए इंटू डी टी अब इस प्रतिस्थापित मान को ऊपर सूत्र में रख देते हैं या ऊपर फलन पर रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू इंटीगेशन ए इंटू डी टी अपॉन ए टी इंटू स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सरल करने पर हमें मिल जाएगा वन अपॉन ए इंटीगेशन साइन डी टी अपॉन टी स्क्वायर रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन ए सेक इनवर्स अब t का मान x बाई ए रख देंगे तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन साइन dx एक्स अपऑन एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू वन बाई ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए अब इस सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन करें तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन dx एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू वन बाई ए सेक इनवर्स बी एक्स अपॉन ए इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना तो इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए हम पहले लिखेंगे कि माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब इसका समाकलन करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे और हम रखेंगे एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा अब दोनों पक्षों का यदि हम अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा डी एक्स इक्वल टू ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इस प्रतिस्थापन का उपयोग हम पूर्व समीकरण में करेंगे और जब हम मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर अब जैसा कि हम जानते हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है हर में ए स्क्वायर जो है वो दोनों पदों में वर्गमूल के अंदर उभयनिष्ठ है उसे निकाल करके हम आगे सरल करेंगे तो हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू इंटीगेशन साइन ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए सेक थीटा और सरल करने पर हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन साइन सेक थीटा डी थीटा और जैसा कि हम पूर्व में जानते हैं कि सेक थीटा का समाकलन होता है लॉग ऑफ टेन थीटा प्लस सेक थीठा तो इस प्रकार यदि तो जैसा कि हमने यह माना था कि x इक्वल टू टेन थीटा तो टेन थीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा x अपॉन ए अनुपातिक तौर पर लंब का मान x होगा और a का मान या आधार का मान a होगा तो इस प्रकार इसे हम त्रिभुज में प्रदर्शित कर सकते हैं जहाँ पर आप देख पा रहे हैं ए बी आधार है उसकी लंबाई ए है बी सी लंब है जिसकी लंबाई एक्स है और ए सी इसके लिए विकर्ण है जिसका मान स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो टेन थीटा और सिक्स थीटा का मान इस त्रिकोण अनुपातों का मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपऑन ए आगे सरल करने पर हमें मिल जाएगा लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपऑन ए जैसा कि आप जानते हैं कि लॉग ऑफ एम बाई एन इक्वल टू होता है लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन तो इसे हम आगे लिख पाएंगे आई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ ए समाकलन अचर के रूप में माइनस ऑफ लॉग ए को यदि हम छोड़ दें तो हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पुनः हम यह जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो इस प्रकार यह मान हमें रखने पर सूत्र प्राप्त हो रहा है इंटीगेशन साइन डी एक्स अपॉन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए अब यदि यहाँ पर हमारे पास जो सूत्र था इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो एक्स के स्थान पर यदि बी एक्स रख दिया जाए तो हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका समाकलन हमें प्राप्त हो जाएगा वन बाई बी लॉग ऑफ बी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्र एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीगेशन साइन dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना तो जैसा कि हम पूर्व प्रश्न में हमने हल किया था उसी प्रकार इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे माना आई इक्वल टू इंटीगेशन साइन dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे हम लिखेंगे x इक्वल टू ए सेक थीटा वहाँ पर हमने tan थीटा लिया था हम यहाँ पर हमें sec थीटा लेना है दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा dx एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा इन मानों को हम पूर्व समीकरण में रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ए सेख थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर अब हर में जो राशि दिखाई दे रही है वर्गमूल के अंदर उसमें आप ए स्क्वायर को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं आपको अंत में मिल रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन तो इस प्रकार हर को सरल करने पर आपको मिल रहा है ए टेन थीटा देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है तो आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू मिल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा तो वर्गमूल के अंदर है ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा सरल करने पर आपको मिल जाएगा ए टेन थीटा तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो रहा है आई इक्वल टू इंटीगेशन साइन ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा अपॉन ए टेन थीटा अब ये जो ए टेन थीटा है ए टेन थीटा अंश और हर दोनों में कैंसल हो जाएगा और आपको मिल रहा है इंटीग्रेशन साइन सेख थीटा डी थीटा और जैसा कि आप जानते हैं ये बराबर होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए के तो जैसा कि हमने x अपॉन ए इक्वल टू सेक थीटा लिया था सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार तो यदि इसे हम त्रिभुज में प्रदर्शित करें ए बी सी तो आप देख पा रहे हैं कि ए बी की लंबाई ए है बी सी की लंबाई स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और ए सी की लंबाई एक्स है तो इस इन तीन राशियों का उपयोग करके हमने आगे सरल किया और हमें मिल गया आई इक्वल टू लॉग ऑ ऑफ़ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ ए समाकलन अचर के रूप में माइनस लॉग ए को छोड़ने पर हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो इस प्रकार हमें सूत्र प्राप्त हो रहा है इंटीग्रेशन साइन डीएक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए अब यदि इस सूत्र को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया जाए इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू हमें मिलेगा वन अपॉन बी लॉग ऑफ बी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर बी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क् डीएक्स का समाकलन ज्ञात करना माना कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स अब यहां पर हम प्रतिस्थापन करने के लिए एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा लेंगे दोनों पक्षों का आवकलन करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू ए कॉस् ठीटा डी थीटा अब हम आगे सरल करेंगे इन मानों को पूर्व समीकरण में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस ठीटा डी थीटा ये वर्गमूल के बाहर है अब अब वर्गमूल के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों पदों पर उभयनिष्ठ है उसे कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और आपको यह पता है कि यह कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो इस प्रकार वर्गमूल के अंदर आपको मिल रहा है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सरल करने पर आपको मिल जाएगा ए कास थीटा तो इस प्रकार हमें मिल रहा है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ए कास थीटा इंटू ए कास थीटा डी थीटा ए और ए का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा ए स्क्वायर यह थीटा से स्वतंत्र पद है अर्थात अचर पद है यह समाकलन चिन्ह के पहले आ जाएगा और हमें मिल रहा है आई इक्वल टू ए स्क्वायर इंटेग्रेशन साइन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा अंश और हर में यदि हम दो का गुणा कर दें तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर बाई टू इंटेग्रेशन साइन टू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा अब त्रिकोणमितीय सूत्र का उपयोग करके टू कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है वन प्लस कॉस टू थीटा तो इस प्रकार हमें मिल रहा है आई इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉइंट टू इंटीग्रेशन साइन वन प्लस कॉस टू थीटा डी थीटा समाकलन करने पर हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर बाई टू इंटू थीटा प्लस साइन टू थीटा अपॉन टू अब आगे साइन टू थीटा को हम लिखेंगे टू साइन थीटा कॉस थीटा और आगे जब सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर बाई टू थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन टू टू और टू कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल रहा है आई इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू इंटू थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अब जहाँ पर हमने एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा लिया या फिर थीटा इक्वल टू हमें मिल रहा है एक्स अपॉन ए अनुपातिक रूप से लंब का मान एक्स और कर्ण का मान ए है तो यदि इसे हम चित्र में प्रदर्शित करें तो आप यह देख पा रहे हैं कि ए बी की लंबाई स्क्वायर टू और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी सी की लंबाई एक्स और ए सी की लंबाई ए है और कोण सी ए बी ये थीटा कोण बना रहा है तो इन राशियों का उपयोग करके साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात किया जा सकता है तो थीटा इक्वल टू तो आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए तो हमें मिल रहा है आई इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टू इन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस साइन थीटा यह है एक्स अपॉन ए और कॉस् थीटा यह भी मिल जाएगा स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए इसे अब सरल करेंगे तो हमें मिल जाएगा वन बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू इंटू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यदि इस सूत्र में एक्स स्क्वायर के स्थान पर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर रख दें तो यह सूत्र कुछ इस तरीके से परिवर्तित हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वन बाई बी इंटू बी एक्स अपॉन टू स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू ए स्क्वायर साइन इनवर्स बी एक्स अपॉन ए इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात करना माना कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है अब हम यहाँ पर प्रतिस्थापन के लिए x इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा यह लेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर हमें मिल जाएगा डी एक्स इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा इन मानों को हम पूर्व समीकरण में रख देते हैं तो हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर इन टू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा सरल करने पर आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन साइन हाइपरबोलिक थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टू इंटीग्रेशन साइन टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा डी थीटा अंश और हर में हमने दोनों पदों पर हमने दो का गुणा किया आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा ए स्क्वायर अपॉन टू इंटीग्रेशन साइन कॉस हाइपरबोलिक टू थीटा माइनस वन डी थीटा सरल करने पर हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर बाई टू साइन हाइपरबोलिक टू थीटा अपॉन टू माइनस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा माइनस वन बाई टू ए स्क्वायर थीटा अब हमने जो प्रतिस्थापन उपयोग किया था उन मानों को पुनः रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा वन बाई टू टू एक्स इन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वन बाई टू ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए तो इस प्रकार यह परिणाम हमें कुछ इस प्रकार मिल रहा है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वन बाई टू ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए तो यह परिणाम हमें जो प्राप्त हुआ है उसे रूपांतरित करके कुछ इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू इंटू एक्स इंटू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वन बाई टू ए स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यदि इस दिए गए सूत्र में हम एक्स के स्थान पर बी एक्स रख दें तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वन बाई बी इंटू वन बाई टू बी एक्स स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वन बाई टू ए स्क्वायर लॉग ऑफ बी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात करना माना आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अब हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और लिखेंगे एक्स इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा तब हमें मिल जाएगा डी एक्स इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा यह मान हम पूर्व समीकरण में रख देते हैं हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इन कॉस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा हाइपरबोलिक से संबंधित जो सूत्र होता है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है वन प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा यह होता है तो इसका उपयोग करके हम वर्गमूल के अंदर जो दी गई राशि है उसको सरल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्वल टू ए स्क्वायर इंटीगेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर वन प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इन टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा डी थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर इंटीगेशन साइन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा डी थीटा आगे सरल करने पर हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर बाय टू इंटीगेशन साइन वन प्लस कॉस हाइपरबोलिक टू थीटा डी थीटा सामान्य त्रिकोण सूत्र का उपयोग कर रहे हैं कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस कॉस हाइपरबोलिक टू थीटा अपॉन टू यह मान रखने पर हम हमें आगे मिल जाएगा समाकलन करने पर आगे हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर बाई टू इंटू थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक टू थीटा अपॉन टू साइन हाइपरबोलिक टू थीटा को हम लिख सकते हैं टू साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा तो इस प्रकार यह मान हम यहाँ पर रखेंगे और आगे सरल करने पर हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर बाई टू इंटू थीटा प्लस टू साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा अपॉन टू टू और टू कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू आगे हमें मिल रहा है ए स्क्वायर बाई टू अब थीटा के स्थान पर हम लिख रहे हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस साइन हाइपरबोलिक थीटा और कॉस हाइपरबोलिक थीटा के स्थान पर हम लिख रहे हैं स्क्वायर रूट ओवर वन प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा हमने जो प्रतिस्थापन के लिए उपयोग किया था उसका विपरीत सूत्र हम उपयोग करेंगे और आगे यह मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन I इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स एपॉन ए प्लस एक्स अपॉन ए स्क्वायर रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सरल करने पर हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए और जैसा कि हम जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल टू होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यह मान हम पूर्व समीकरण में रख देते हैं तो हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब इस सूत्र में यदि हम एक्स के स्थान पर या एक्स स्क्वायर के स्थान पर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर रख दें तो यह सूत्र कुछ इस तरीके से रूपांतरित हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इक्वल टू वन बाई बी इंटू बी एक्स अपॉन टू इंटू स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू लॉग ऑफ बी एक्स प्लस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीगेशन डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना माना कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए तो इस प्रकार इसे हम आंशिक भिन्नों का उपयोग करके समाकलन प्राप्त करेंगे हम लिखेंगे आई इक्वल टू इंटिगेशन साइन वन अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए डी एक्स अब माना वन अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू ए कैपिटल ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल बी अपॉन एक्स प्लस ए लघुदम स्वांप्रत निकाल करके तुलना करेंगे तो हमें मिल जाएगा वन इक्वल टू कैपिटल ए इंटू एक्स प्लस ए प्लस कैपिटल बी इंटू एक्स माइनस ए गुणा करने के बाद में एक्स और स्मॉल ए के गुणांकों को अलग अलग लिख लेंगे तो हमें मिल जाएगा वन इक्वल टू कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी इंटू एक्स प्लस कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी इंटू ए अब दोनों पक्षों में एक्स की समान घातों के गुणांकों को बराबर रखने पर या फिर तुलना करने पर हमें मिल जाएगा कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी इक्वल टू जीरो ये समीकरण एक है अब कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी इंटू स्मॉल ए इक्वल टू वन आगे सरल करने पर हमें मिल जाएगा कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी इक्वल टू वन अपॉन स्मॉल ए समीकरण एक और दो को जोड़ने पर बी प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा हमें मिल जाएगा टू इंटू कैपिटल ए इक्वल टू वन अपॉन स्मॉल ए तो इस प्रकार आपको मिल रहा है कैपिटल ए इक्वल टू वन अपॉन टू ए समीकरण एक में यदि हम कैपिटल ए का मान रख दें तो हमें मिल जाएगा वन अपॉन टू स्मॉल ए प्लस कैपिटल बी इक्वल टू जीरो तो बी इक्वल टू माइनस टू अपॉन बी इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू ए ये कैपिटल ए और कैपिटल बी के मान को हम समीकरण में रख देंगे जहाँ पर हमने समाकलन चिन्ह का अंतिम उपयोग किया था तो हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन वन अंट टू ए इंटू वन अपॉन एक्स माइनस ए माइनस वन अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स वन अ टू ए कॉन्स्टेंट है अचर अच्छा राशि है समाकलन चिन्ह के बाहर आ जाएगा आई इक्वल टू वन पॉइंट टू ए इंटीग्रेशन साइन वन अपॉन एक्स माइनस ए माइनस वन अपॉन एक्स प्लस ए डी एक्स समाकलन करने पर हमें प्राप्त होगा वन अंट टू ए इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस ए समाकलन के नियमों का उपयोग करके हमें मिल जाएगा I इक्वल टू वन अपॉइंट टू ए इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए यह सूत्र हमें प्राप्त हुआ जिसका कि उपयोग हम आगे प्रश्नों को सरल करने के लिए करेंगे अभी अब यदि इस सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया जाए इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो हमें मिल जाएगा इक्वल टू वन अपॉइन्ट टू ए बी इंटू लॉग ऑफ बी एक्स माइनस ए अपॉन बी एक्स प्लस ए इंटीगेशन साइन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना माना कि I इक्वल टू इंटीगेशन साइन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स और पूर्व प्रश्न की भांति हम आंशिक भिन्नों का उपयोग करके इसे आगे सरल करेंगे तो आगे हमें मिल जाएगा I इक्वल टू इंटीगेशन साइन वन अपॉन टू ए इंटू वन अपॉन ए माइनस एक्स प्लस वन अपॉन ए प्लस एक्स डी एक्स समाकलन करने पर हमें मिल जाएगा वन अपॉन टू ए ए ए माइनस माइनस ऑफ 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 लॉग 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 एक्स एक्स प्लस प्लस के नियमों का उपयोग करके हम इसे लिख सकते हैं वन अपॉन टू ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स तो इस प्रकार हमें सूत्र प्राप्त हुआ है इंटीगेशन साइन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉइंट टू ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इस सूत्र में यदि हम एक्स स्क्वायर के स्थान पर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर रख दें तो सूत्र कुछ इस तरीके से परिवर्तित हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉइंट टू ए बी इन लॉग ऑफ ए प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स तो ये सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए सूत्र याद होने पर सीधे आप प्रश्नों को सरल कर पाएंगे आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न